Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. My all dear students, in today's lecture, let's learn class 11th English textbook series, unit number 4, drama section, the lesson number 4.1, history of English drama. So, aaj ke is session mein hum padhenge history of English drama, unit number 4, 11th class ka. सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा. एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड ऑल द डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड द व्यूवर्स. क्लास 11 की टेक्स्ट बुक सीरीज को आप सबका जो पूरे दिल से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए रियली अप्रिशिएट. इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा. एंड यस ऑफकोर्स आज के इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा. सो बेसिकली फर्स्ट क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, इंट्रोडक्शन दिया है. सो हाउ ड्रामेटिक यू आर, आप बोलते हैं ना कि हाउ ड्रामेटिक यू आर, इट मीन्स कितने नौटंकी करते हो. इज योर रिस्पॉन्स व्हेन अ फ्रेंड एग्जैगरेट्स और ओवर रिएक्ट्स, अगर कोई परेशान करता है या फिर नौटंकी करता है, बोलते हैं ना क्या नौटंकी कर रहा है. लाइक सो इट मीन्स यू आर करेक्टली यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ड्रामा. सो इसका मतलब है कि आप जो एडजेक्टिव फॉर्म है ड्रामा वर्ड का, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर रहे हो. कितना नौटंकी करता है, नौटंकिया है, इस तरह से. ड्रामा इज अ परफॉर्मेंस विच इज एसेंशियली लाउड एग्जैगरेटेड एंड लार्जर दैन लाइफ. ड्रामा बेसिकली जो नाटक होता है, ठीक है, जो स्टेज पे किया जाता है. इट इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं. द ऑडियंस सिटिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ, क्लोज टू और इन द लास्ट रो ऑफ द थिएटर शुड बी एबल टू हियर एंड सी द एक्टर ऑन स्टेज. जब ड्रामा स्टेज पर चल रहा होता है तो पहली रो से लेके लास्ट वाली रो तक के सभी लोग उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेज विस्पर इज फार लाउडर देन अ विस्पर इन रियल लाइफ. This would be an example of willing suspension of disbelief. It can be defined as a willingness to accept the unreal. It may also mean sacrifice of realism and logic for the sake of enjoyment. It means what? Whisper का मतलब होता है शांति से. लेकिन जब ये ड्रामा जोर जोर से हो रहा होता है, ठीक है, तो वो शांति में होगा क्या? नहीं. उसी तरह से जो भी वर्ड्स हम ड्रामा में यूज़ करते हैं, लेकिन ड्रामा तो लाउड ही होता है. जब तक वो कैरेक्टर प्ले करने वाले जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जब तक ज़ोर ज़ोर से अपना आवाज़ नहीं निकालेंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा. द टर्म वॉज कॉइन्ड बाई द पोएट एंड एस्थेटिक फिलोसोफर सैमुअल टी कॉलरिज. द टर्म ऑफन अप्लाइज टू फिक्शनल वर्क्स ऑफ द एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी एंड हॉरर जेनरेस. सो सैमुअल टी कॉलरिज ये जो थे, ये एक बहुत ही जाने माने पोएट थे एंड उन्होंने इस तरह से इसका अर्थ लगाया है. इट रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ द ऑडियंस टू ओवरलुक द लिमिटेशंस ऑफ अ मीडियम. ड्रामा इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वेयर बाय परफॉर्मर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स आर्टिस्टिकली. The performance is based on a script which is in the form of dialogues, whereas a story or a novel is written in the narrative form. यहाँ पर देखिए कि जो ड्रामा होता है उसके लिए तो स्टोरी स्क्रिप्ट रहती है जो एक्चुअली डायलॉग्स में लिखी हुई होती है. एंड इसके बावजूद अ स्टोरी और अ नॉवल इज रिटन इन द नैरेटिव फॉर्म. नॉवल और स्टोरी के जो बुक्स रहते हैं ये नैरेटिव फॉर्म में रहते हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं. लेकिन ड्रामा आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, उसको आप देखते हैं. लेकिन वो ड्रामा करने के लिए बेसिकली जो स्क्रिप्ट रेडी रहती है, तो वो स्क्रिप्ट पढ़कर जो डायलॉग्स होते हैं उसे कहते हैं हम जो परफॉर्मेंस जो होता है ड्रामा. पोएट्री इज लैंग्वेज एक्सप्रेस इन रिदम एंड मीटर. यानी कि आप सबको पता है कि जो ताल सुर लय से गाई जाती है वो होती है पोएट्री, कविता. ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस. अ प्ले, ओपेरा, माइम एंड बैलेट आर परफॉर्म इन थिएटर, ऑन रेडियो और ऑन टेलीविजन. बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ड्रामा स्टेज परफॉर्मेंस होता है. अभी हम देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ड्रामा. सो ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज. यानी कि ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज. एक तो ये जो है नैरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ होता है, नहीं तो फिर पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, और जो स्टेज पर एक्ट किया जाता है. इन विच स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग
एंड एक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड विथ अकम्पनाइंग गेस्चर कॉस्ट्यूम एंड सीनरी एज इन रियल लाइफ। यानी कि अलग अलग तरह के जो कॉस्ट्यूम रहते हैं उसे पहन के अलग अलग तरह के जो गेस्चर हाव भाव है वो स्टेज पर दिखाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रामा। सो ये जो डेफिनेशन है ये शॉर्टर्ड ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में ये डेफिनेशन है। अभी देखेंगे ग्लॉसरी ऑफ लिटररी टर्म्स बाय MH अब्राम्स, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है। ड्रामा इज ए कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर इन विच एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन एंड अटर द रिटर्न डायलॉग्स। यानी कि जो एक्टर्स रहते हैं जो स्क्रिप्ट में जितने भी रोल है वो प्ले करते हैं, वो डायलॉग्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है डेफिनेशन, दिस इज अ ग्लॉसरी ऑफ लिटररी टर्म्स बाय MH अब्राम्स। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, कि क्लास 11 का जो आपका टेक्स्ट बुक है इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 रहता है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, लेट मी जस्ट अगेन टेल यू, क्वेश्चन नंबर आपका जो रहता है क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज बेस्ड ऑन द यूनिट नंबर 4, 16 मार्क्स टोटल इसको रहते हैं और इसके ऊपर ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आपको 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली 101% ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द एलिमेंट्स एनी 4 और एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। सो आपको ये एलिमेंट्स लर्न करने हैं, नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 कैरेक्टराइजेशन, 3 इज डायलॉग, 4 इज सेटिंग, 5th इज स्टेज डायरेक्शन, 6th है कॉन्फ्लिक्ट एंड 7th है थीम। सो दीज आर दी 7 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। इसमें से कोई भी 4 या 5 लिखने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। द 4 क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस आर द फोकस ऑफ द सीन, द फोकस ऑफ द ऑडियंस, द फोकस ऑफ द कैरेक्टर एंड द फोकस ऑफ द एक्टर। ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, ये जो यूनिट है ये समझने के बाद आपको क्या चीज़ें पता चलेगी, कि अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई ड्रामा एज ए जेनरी ऑफ लिटरेचर, यानी कि एक लिटरेचर का प्रकार है। उसके बाद लर्न द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, हम ड्रामा का डेफिनेशन भी लर्न करेंगे। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में का डिफरेंस हम देखेंगे। अगेन एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, अभी हमने जो ड्रामा के एलिमेंट्स देखे उनको एक्सप्लेन करेंगे। एंड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के भी टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स की तरह, तो वो भी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ ड्रामा स्टूडेंट्स, एक तो होता है ट्रेजेडी, ठीक है, दूसरा होता है कॉमेडी और तीसरा होता है ट्रेजिक कॉमेडी। सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर देखिए, ट्रेजेडी के तो कोई जो है आगे के टाइप्स नहीं है, लेकिन कॉमेडी के टाइप्स दिए हुए हैं, ट्रेजिक कॉमेडी एक बताया है। तो हम जो जिसके कॉमेडी तो आप सबको पता है, कॉमेडी यानी कि जिसमें आप हंस हंस के लोटपोट होते हैं, तो ट्रेजेडी जो ड्रामा का जो कॉमेडी का ये प्रकार है। सो इसमें रोमांटिक कॉमेडी रहती है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, क्लासिकल कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। और यहाँ पे देखिए कि ट्रेजेडी यानी कि इसमें कुछ तो जो है कुछ तो इसमें अलग सा आपको एक कंटेंट पता चल जाता है, और आप इसको बोल सकते हैं कि मीनिंग ऑफ अ ट्रेजेडी कि अ सीरियस प्ले दैट हैज अ सैड एंडिंग, यानी कि कुछ तो सीरियस ये प्ले रहेगा और इसकी एंडिंग सैड रहेगी। ट्रेजिक कॉमेडी भी वैसा ही रहता है, इसमें कोई तो एट द पॉइंट ऑफ लास्ट मिनट में आपको कुछ तो अलग सा उसमें पता चल जाता है, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको कि कुछ तो चीज़ छुपी हुई रहती है जो लास्ट में समझ में आती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा प्लॉट, अभी देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस पे आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लॉट, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ प्ले। तो ये 1 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका जो है डेफिनेशन लिख लीजिए एंड लर्न कीजिए। इट प्लॉट मीन्स प्लान, स्कीम और पैटर्न। प्लॉट हैज अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। 1-1 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। लाइक दैट सेकेंड जो एलिमेंट है वो कैरेक्टर है। एक्सप्लेन द टर्म कैरेक्टर। कैरेक्टर इज द इमेजिनरी पर्सन शोन इन ड्रामा। द प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले। प्रोटैगनिस्ट यानी कौन होता है, जो मेन लीड में काम करता है, तो वो मेन कैरेक्टर होता है। एंड द अदर कैरेक्टर्स उसमें होते हैं मेजर, माइनर एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक।
फ्लैट एंड राउंड, दीज आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर स्टूडेंट्स. अभी हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टराइजेशन, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ड्रामा. सो कैरेक्टराइजेशन मीन्स टू रिवील पेक्युलैरिटीज ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि वो कैरेक्टर जो है उसकी जो भी पेक्युलैरिटीज है, यानी कि उसमें कौन कौन से गुण दिखाई दिए हैं, तो वो जो होता है उसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन टू गेन इंसाइट इन टू देयर पर्सनैलिटीज, एस्टैब्लिश कनेक्शन विद दैम. डायलॉग, डायलॉग का मतलब इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू स्पीकर्स. मोनोलॉग यू टू स्पीकर टू स्पीक टू वन सेल्फ, जो खुद से ही बात करेगा. सॉलिलोक्वी, कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस लाउड, यानी कि हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि कोई कैरेक्टर होता है जो खुद से ही बात करता है मन में और वो हम सुन सकते हैं, तो इस ये वो टाइप का प्रकार है. इट रिवील्स द नेचर ऑफ कैरेक्टर एंड गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन. अभी स्टेज डायरेक्शन, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ड्रामा. वॉट इज स्टेज डायरेक्शन? स्टेज डायरेक्शन इज अ परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सेट लाइटिंग, म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम्स. स्टेज डायरेक्शंस आर गाइडलाइंस, सजेशंस गिवन बाय द ड्रामेटिस्ट. वॉट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज द इसेंस ऑफ ड्रामा. वॉट इज द इसेंस ऑफ ड्रामा, ये क्वेश्चन 101% आएगा, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट इज द इसेंस ऑफ ड्रामा. इट एनलाइटन्स लाइफ, ग्रांट्स डिग्निटी एंड वर्थ टू ह्यूमन लाइफ. थीम इज द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले और स्टेटेड एज अ जनरलाइजेशन. वॉट इज द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले, सो इसका आंसर क्या आएगा, थीम. सो आपको एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड आ सकता है एंड प्लॉट से रिलेटेड आ सकता है. अभी हम पढ़ेंगे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, जो आपके टेक्स्ट बुक में आया है. इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा, जो थिएटर में होता था. ड्रामा हैज इट्स ओरिजिन इन फोक थिएटर. वी देयरफॉर कैनॉट कंसिडर ड्रामा मेरली एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर. वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर एज एन आर्ट, बट ड्रामा इज अ मल्टीपल आर्ट यूजिंग वर्ड्स. सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक, gestures of the actors and the organizing talents of a producer. पहले तो drama has its origin in folk theatre, यानी कि जो भी देखिए पुराने जमाने में नाटक पहले हुआ करते थे, orchestra like orchestra, okay. इसलिए इसको drama को literature का part जो है as a literature part of a literature करके कभी consider नहीं किया शुरुआत में. सो वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर एज एन आर्ट, बट ड्रामा इज अ मल्टीपल. वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर, यानी कि शब्दों से आप लिटरेचर का मीडियम हो सकते हो, लेकिन ड्रामा इज अ मल्टीपल आर्ट यूजिंग वर्ड्स. ड्रामा में, नाटक में तो मल्टीपल आर्ट्स है, उसमें आपको सीनिक इफेक्ट्स देखने के लिए अलग अलग सीन्स मिलते हैं, म्यूजिक होता है, गेस्चर्स ऑफ द एक्टर्स रहते हैं, उनकी जो एक्टिंग रहती है वो, ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट ऑफ अ प्रोड्यूसर, द ड्रामाटिस्ट मस्ट हैव प्लेयर्स, अ स्टेज एंड एन ऑडियंस. सो ये सारी चीजें ड्रामा में इंक्लूड होती है. द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड आर ऑब्स्कर. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स. द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा, द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा इन डैश डैश आर ऑब्स्कर. सो इंग्लैंड ये आंसर रहेगा. देयर इज एविडेंस टू बिलीव दैट व्हेन द रोमन्स वर इन इंग्लैंड, दे एस्टैब्लिश वास्ट एम्पीथिएटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लेज, बट व्हेन द रोमन्स डिपार्टेड देयर थिएटर डिपार्टेड विद देम. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ये एक एविडेंस है कि रोमन्स जो थे वो जब इंग्लैंड में थे तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े एम्पीथिएटर्स बनाए, ठीक है, लेकिन वो जब चले गए तो उन्होंने वो एक अपने साथ लेके चले गए. देन देयर वर मिनिस्ट्रल्स, people enjoyed their performances. Gradually by the 10th century, the ritual of plays that itself had something dramatic in it got extended into the rudiment of a play. अभी देखिए कि 10वीं शताब्दी में ये जो है ritual वापस से आ गया drama का. Between the 13th and 14th century, drama started having themes which was separated from religion. रिलीजन से सेपरेट जो थीम्स थी वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में हमको देखने के लिए तब मिले हैं. द वर्ड्स देमसेल्व्स वर स्पोकन इन इंग्लिश, और तब जो ड्रामा था वो इंग्लिश में हुआ करता था. लॉन्गर ड्रामेटिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बड़े बड़े रहते थे जो यूज किए जाते थे, एंड दे वर कॉल्ड मिरेकल प्लेज, और उन प्लेज को क्या कहा जाता था, मिरेकल प्लेज. लेटर दिस रिलीजियस ड्रामास वर द मोरालिटी प्लेज, बाद में इसको मोरालिटी प्लेज कहा जाने लगा. इन विच कैरेक्टर्स वर ऑब्स्ट्रैक्ट वाइस एंड वर्चूज, दीज वर एलिगरीज.
अभी देखेंगे हम एलिजाबेथन एंड रिस्टोरेशन ड्रामा थिएटर कि ये टाइम पीरियड में क्या था। दिस सेकुलर मोरालिटी प्लेज हैव डायरेक्ट लिंक्स विद एलिजाबेथन प्लेज। अभी एलिजाबेथन एरा जो था तो वह उस टाइम पे ये प्लेज हुआ करते थे। द रिनेसेंस इम्पोज्ड अ लर्न्ड ट्रेडिशन क्लासिकल इन डेप्थ विद थीम्स ऑफ एजुकेशन जनरल मॉरल प्रॉब्लम्स एंड सेकुलर पॉलिटिक्स। द प्लेज हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। जो नाटक हुआ करते थे उनका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था। देयर वर एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। अभी देखिए यहाँ पर जो यहाँ से आपको जो स्टार्ट होने वाला है सेंटेंस, थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मालो एंड विलियम शेक्सपियर आर द प्राइम ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस एरा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द प्राइम ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा और रेस्टोरेशन ड्रामा एरा। सो थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। इट वॉज कीड हु डिस्कवर्ड हाउ इजिली ब्लैंक वर्स माइट बी कन्वर्टेड इन टू यूजफुल थेटरिकल मीडियम विच शेक्सपियर यूज ब्रिलियंटली इन ऑल हिज प्लेज। ट्रेजेडी डेवलप्ड इन द हैंड्स ऑफ कीड एंड मार्लो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेजेडी डेवलप्ड बाय होम और ट्रेजेडी डेवलप्ड इन द हैंड्स ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स। तो कीड एंड मार्लो ने ट्रेजेडी को डेवलप किया। कॉमेडी हैड ऑल्सो प्रोसीडेड बियॉन्ड रस्टिक ह्यूमर बट बाय द 19th ऑफ द 16th सेंचुरी द थिएटर इन इंग्लैंड वॉज फुल्ली एस्टैब्लिश बट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द ड्रामाटिस्ट। अभी देखिए जो द पब्लिक थिएटर है 16th सेंचुरी में, 16वें शतक में जो ये पब्लिक थिएटर थे, डिफर्ड इन मेनी इंपॉर्टेंट वेज फ्रॉम द मॉडर्न थिएटर। इट वॉज ओपन टू स्काई। तब के जो थिएटर थे ओपन टू स्काई, यानी कि कोई भी छत नहीं हुआ करती थी, किसी भी जगह पर वो स्टेज बनाते थे और वहाँ पर वो ड्रामा प्ले हुआ करता था विदाउट आर्टिफिशियल लाइटिंग। तब लाइटिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी, स्टेज नहीं था एंड विद द रेसेस एट द बैक सपोर्टेड बाय पिलर्स, यानी कि जो चार पहियों पे जो स्टेज खड़ा हुआ करता था उस पर ही विदाउट लाइटिंग विदाउट एनी सेटिंग सिर्फ प्ले हुआ करता था 16वीं शताब्दी में। लेकिन मॉडर्न थिएटर में क्या हुआ, देर वॉज नो, तब वो कर्टन नहीं थे, मेन प्लेटफॉर्म नहीं था एंड ऑडियंस भी जो थे वो एक जगह पर ऐसे बंद के नहीं थे, वो जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पर बैठकर ड्रामा देख सकते थे। बट अराउंड द थिएटर देयर वेर गैलरीज। इन द 17th सेंचुरी द इनक्लोज थिएटर गेन इम्पोर्टेंस। अभी 17वें शतक में क्या हो गया कि जो हम अभी थिएटर में जाते हैं लाइक दैट थिएटर का इम्पोर्टेंस दिखने लगा। देयर वॉज इंक्रीजिंग अटेंशन टू सीनिक डिवाइस एज देयर बिकेम प्राइवेट द, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट थिएटर्स डेवलप होने लगे। शेक्सपियर एरा केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द 16th सेंचुरी टू द पब्लिक थिएटर। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, शेक्सपियर एरा केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द डैश डैश सेंचुरी टू द पब्लिक थिएटर, यानी कि 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में शेक्सपियर एरा लोगों को पता चला। ही रोट फॉर द कंटेम्प्रेरी थिएटर मैनिपुलेटिंग द एलिजाबेथन स्टेज विद ग्रेट रिसोर्स एंड इन्वेंशन बट द जीनियस ऑफ शेक्सपियर शुड नॉट अलाउ द रेस्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ हिज एज टू बी ऑब्स्कर्ड। Contemporary of him was Ben Jonson, a classicist, a moralist, and a reformer of drama. In comedy, Jonson's genius is found at its best and his influence was considerable. The Restoration dramatists leaned strongly upon him. अभी देखिए कि दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स, बट जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको लिख के लेना है और उसका पढ़ाई करना है। क्लोजिंग ऑफ थिएटर बाय द Puritans in 1642 brought this great of all periods in the history of English drama to an end. With the civil wars, no theatre existed between 1642 to 1660. यानी के 1642 से लेके 1660 तक सिविल वॉर की वजह से कोई भी थिएटर तब दिखे नहीं। द नेक्स्ट फेज विच अपियर्ड आफ्टर द रेस्टोरेशन प्रोड्यूस्ड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर। ड्रामेटिस्ट लाइक चैपमन, थॉमस मिडलटन, वेबस्टर एंड डेकर वर एट द फोरफ्रंट। लेकिन 1660 के बाद ये सारे ड्रामाटिस्ट आपको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। When Charles II came back with the restoration of 1660, the theatres were reopened. जब चार्ल्स टू आ गए, ठीक है, तब थिएटर वापस से रीओपन हो गए 1660 में। द रेस्टोरेशन कॉमेडी अचीव्ड इट्स स्पेकुलर एक्सेलेंस। ड्रामा डेवलप्ड इनटू क्लास ड्रामा विथ अपर क्लास एथोस। इट लास्टेड beyond this period into the first decade of 18th century. Comedy in the early 18th century declined into sentimentalism. It became comedy of manners.
अभी देखिए कि 18th सेंचुरी में जो कॉमेडी थी वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स बन गई। जॉर्ज एथर्स वॉज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट फ्रॉम सच डेप्थ ड्रामा वॉज रेस्क्यूड बाय ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन। ये जो थे ये ड्रामाटिस्ट ने उसके बाद में डेवलप हो गए विथ शेरिडन, रिचर्ड शेरिडन, समथिंग ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ रेस्टोरेशन डायलॉग रिटर्न इन टू कॉमेडी बट विथ मोर जेनियल एटमोसफियर। द कैरेक्टर्स वर फर्मली प्रेजेंटेड विथ क्लैरिटी रेमिनिसंस ऑन ऑफ जॉनसन बट विथ नो डेप्थ इन शेरिडन्स वर्ल्ड। No new interpretation of human nature in this, he was nearer to Oscar Wilde than to Johnson. ये जो थे ये dramatist, ये इनका era यहाँ पर start हो गया था। अभी मॉडर्न ड्रामा हम देखेंगे कि मॉडर्न ड्रामा के थिएटर्स कैसे हैं, कि द मॉडर्न थिएटर विथ इट्स पिक्चर फ्रेम स्टेज, इट्स एक्ट्रेसेस टेकिंग फीमेल पार्ट्स, इट्स मूवेबल सीनरी डिजाइन टू क्रिएट अ विजुअल इमेज ऑफ द लोकल ऑफ ईच सीन एंड इट्स आर्टिफिशियल लाइट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन। इसका मतलब है कि आज के जमाने में जो थिएटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपको जो कॉमेडी के अलग अलग शो आप टीवी पे देखते हो, राइट, कॉमेडी कपिल शर्मा का जो कॉमेडी का शो है, तो वो जो थिएटर्स थे, सॉरी जो उनका स्टेज होता है, मल्टी कलर्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, लाइटिंग्स रहती है, अलग अलग कैरेक्टर्स वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न ड्रामा या फिर मॉडर्न थिएटर। देयर इज क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस ऑन थिएटर द ऑडियंस एंड द थीम। यहाँ पर देखिए, द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी वॉज ऑन द होल ऑन द वे टू डिक्लाइन फॉर मेनी रीजन्स। लेकिन 19th सेंचुरी में ड्रामा को डिक्लाइन क्यों किया गया? द थिएटर वॉज होम मेनली टू इररेगुलर स्पेक्टेकल मेलोड्रामा एंड फार्स। अ सिंपल एक्सटर्नल रीजन कैन बी फाउंड इन द मोनोपोली हेल्ड बाय द टू हाउसेस कोवेट गार्डन एंड ड्री लेन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सीरियस ड्रामा। तब सीरियस ड्रामा भी प्ले होने लगे। एंड द ऑडियंस विच गैदर टू द 19th सेंचुरी थिएटर हैड नॉट द इंटेलिजेंस और द इमेजिनेशन ऑफ द एलिजाबेथन ऑडियंस। द डेंजर इन द 19th सेंचुरी थिएटर वॉज दैट अब ऑल इट वॉज अनरिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द टाइम। यानी कि उस जमाने में जो हो रहा था वो तो ड्रामा में देखने के लिए नहीं मिल रहा था। द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हैड सो मॉडिफाइड द ह्यूमन पर्सनालिटी इटसेल्फ दैट अ न्यू इंटरप्रिटेशन वाज इसेंशियल। लोग जो थे, लोगों को क्या देखना पसंद था, जो उनके डेली लाइफ में जो होता है वही चीज़ें जब वो थिएटर में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी जी रहे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। इप्सन, इप्सन द ग्रेट नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी डोमिनेट्स द रियलिस्टिक ड्रामा। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा आपको ये डैश डैश। द ग्रेट नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी डोमिनेट्स द रियलिस्टिक ड्रामा, तो आप क्या लिखोगे? इप्सन। ही डेवलप मॉडर्निस्ट रियलिस्ट सोशल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामाज लाइक The Doll's House, Ghost, and An Enemy of the People. These three dramas are developed by Ibsen. They are far more subtle in stagecraft and profound in thought than anything in the modern English theatre. But it was only George Bernard Shaw. यहाँ पे देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आ गया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय इप्सन्स इनोवेटिव कंट्रीब्यूशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हु वाज इन्फ्लुएंस और अफेक्टेड बाय इप्सन्स वर्क? द नेम आंसर क्या आएगा आपका? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये इप्सन के काम से प्रभावित हुए। ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्ले राइट ऑफ हिज टाइम्स। ही अलोन हैड अंडरस्टूड द ग्रेटनेस ऑफ इप्सन एंड ही वॉज डिटरमाइंड दैट हिज ओन प्ले शुड ऑल्सो बी अ व्हीकल फॉर आइडियाज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलिवेशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा टू बी ब्रिलियंस ऑफ द नॉर्वेजियन फेल विथ ऑस्को वाइल्ड एंड जीबी शॉ इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो इस पैराग्राफ में आपको ध्यान में रखने की चीजें कौन सी है कि नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी कौन था? इप्सन था। और जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था इप्सन से वो कौन था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एंड द डॉल्स हाउस, ये डॉल्स हाउस, घोस्ट एंड एनिमी ऑफ द पीपल, दिस थ्री ड्रामाज वर डेवलप्ड बाय होम इप्सन। दिस आर द थ्री थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. H. Granville Barker, John Galsworthy, St. John Irwin were some of the playwrights who explored contemporary problems. St. John Irwin had been associated with a group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. Abbey Theatre in Dublin में जो work किया था वो किसने किया था? St. John Irwin. So much that is best
इन द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लिश डेवलप फ्रॉम दिस मोमेंट. वन ऑफ इट्स ऑर्गेनेटर्स वॉज लेडी ग्रेगरी विद डब्ल्यू बी येट्स एंड जे एम सिंज. दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस इरिश रिवाइवल हु यूज द सीन ऑफ ट्रैजिक आयरनी अ वायलेंट स्पेसिस ऑफ ह्यूमर एंड रिच एंड हाईली फ्लेवर्ड लैंग्वेज. सो इस पैरा में आपको ध्यान में रखना है कि एबे थिएटर इन डब्लिन से रिलेटेड कौन है, सेंट जॉन अर्विन है. एंड 20th सेंचुरी में ग्रैनविले बार्कर, जॉन गाल्सवर्थी, सेंट जॉन अर्विन, दिस वर द सम ऑफ द प्ले राइट्स हु एक्सप्लोर कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी. आपको ध्यान में रखना है. टी एस एलियट एक्सपेरिमेंटेड विथ ग्रीक ट्रेजेडी इन द अर्ली 40s ऑफ द 20th सेंचुरी. सो आपको ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि या फिर मैच द पेयर्स, ठीक है. एक साइड में अगर टी एस एलियट दिया तो दूसरे ग्रुप में आपको क्या ग्रीक ट्रेजेडी देखने के लिए मिलेगी, तो इनको आपको मैच करना है. ग्रीक ट्रेजेडी इज रिलेटेड विथ होम टी एस एलियट. अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा, जॉन ऑसबोर्न रोट ऑन पीपल हु ग्रू अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. किंग्सली एम इज रोट अबाउट फ्रस्ट्रेटेड एंटी एस्टैब्लिशमेंट यंग पीपल. हु रोट अबाउट फ्रस्ट्रेटेड एंटी एस्टैब्लिशमेंट यंग पीपल. आंसर आएगा किंग्सली एमस. ऑसबोर्न्स लुक बैक इन एंगर ब्रॉट अ न्यू विटैलिटी टू द थिएटर सीन. अभी ऑसबोर्न का कौन सा है ड्रामा, लुक बैक इन एंगर, यह ध्यान में रखना है. इट वॉज मोर अ कल्चरल फिनोमिनन दैट द वर्क ऑफ लिटरेचर. अदर इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स ऑफ द मॉडर्न एरा इंक्लूड एंटन चेकेव, बर्टोल्ड बर्चर्ट, युगेने ओनेल, आर्थर मिलर, टेनेसे विलियम्स, युगेने आयोनेस्को, सैम्यूअल बेकेट एंड हैरोल्ड पिंटर. ये आपको ध्यान में रखने के नाम है. अभी हम पढ़ेंगे इंडियन ड्रामा थिएटर, ठीक है. अर्लीस्ट सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा कैन बी फाउंड इन द संस्कृत ड्रामा. ये एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में कि अर्लियस्ट सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा कैन बी फाउंड इन विच ड्रामा, तो आपको आंसर लिखना है इन संस्कृत ड्रामा. फ्रॉम द 1st सेंचुरी AD महाभ्यासा बाय पतंजलि प्रोवाइड्स अ फिजिबल डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ थिएटर इन इंडिया. द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस इज अ ट्रीटाइज ऑन थिएटर नाट्यशास्त्र बाय भारत मुनि. ये मैच द पेयर के लिए आएगा आपको. नाट्यशास्त्र ये किससे किसने लिखा, भरत मुनि. दिस इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑफ ड्रामाटोलॉजी इन द एंशियंट वर्ल्ड. इट गिव्स माइथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ थिएटर. मॉडर्न इंडियन ड्रामा हाउएवर हैज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज संस्कृत एंड उर्दू ट्रेडिशन. ये भी आपको ध्यान में रखना है सेंटेंस. दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा कैन बी फाउंड इन विच ड्रामा और विच. सो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, संस्कृत ड्रामा ही लिखना है. एंड भरत मुनि दिस इज रिलेटेड विद नाट्यशास्त्र. सो देखिए यहाँ पर आपको टेबल देखने के लिए मिलेगा कि पीरियड्स इन हिस्ट्री. राइट डाउन द पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. अगर आपको आते हैं तो आपको क्या लिखना है, मिडाइवल पीरियड, रिनेसेंस पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न एरा. आपको ये कुछ उनके टाइम पीरियड नहीं लिखना है, लेकिन सिर्फ नाम ही लिखने हैं. वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो राइट डाउन द पीरियड्स इन राइट डाउन द फोर पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा. सो आप क्या लिखेंगे, मिडाइवल पीरियड, रेनेसेंस पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न एरा. टाइप्स ऑफ प्लेज जो मिडाइवल पीरियड में थे, डिडैक्टिक प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, साइकिल प्लेज, मोरालिटी प्लेज एंड दीज आर सम प्लेज हु प्ले जो क्लासिक्स थे ये मिडाइवल पीरियड में. सो यहाँ पर देखिए ये आपको खुद से लर्न करना है बच्चों. ये आप एक बार खुद से लर्न कीजिए, पढ़िए तो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी. ओके तो दिस टेबल इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली. तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट वन एक्ट प्ले. द रिवाइज कोर्स बुक फॉर क्लास 11 फोकसेस ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. स्टूडेंट शुड बी एबल टू एंजॉय अप्रिशिएट एंड डाइजेस्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर प्रोवाइड्स अ गेटवे टू एक्सप्रेस इमोशंस. दिस इज अ पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम स्टडिंग जनरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लिटरेचर टू अंडरस्टैंडिंग अ स्पेसिफिक जनरे ऑफ लिटरेचर. विद दिस इंटेंशन वन एक्ट प्ले एज अ जनरे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर क्लोज स्टडी टू क्लास 11. यानी कि आपको आज क्लास 11 में ये साल ये वन एक्ट प्ले क्यों दिया है, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि लिटरेचर में जो भी टाइप्स होते हैं. यू ऑल्सो अवेयर अबाउट द थिंग्स कि इंग्लिश में जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो लिटरेचर की हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. अभी देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज वन एक्ट प्ले. सो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों वन लाइनर क्वेश्चन में. वन एक्ट प्ले इज नॉट एग्जैक्टली अ शॉर्टन प्ले.
इट इज कंप्लीट स्टोरी दैट हैज टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज इन स्टाइपुलेटेड टाइम. सो ये आपका आंसर यहाँ से रहेगा. इट हैज इट्स ओन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. द एक्शन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज लिमिटेड. सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन एंड क्विक इफेक्ट आर इट्स फीचर्स. द प्रिस्क्राइब्ड वन एक्ट प्ले विल हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग फीचर्स. अभी वन एक्ट प्ले के फीचर्स कौन से हैं? नंबर वन, प्लॉट. प्लॉट, द प्लॉट ऑफ वन एक्ट प्ले इज लिमिटेड टू अ सिंगल इंटरेस्टिंग एंड द प्लॉट ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर इज स्टोरी दैट हैज बीन वूवन इन टू क्लोजली रिलेटेड चेन ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन सीक्वेंस. तो यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए क्या है? इट इज सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा. वॉट इज द सोल ऑफ ड्रामा? अगर ये क्वेश्चन आता है, आएगा ही, तो आप क्या आंसर लिखोगे? कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा. इसको लिख के ले लो. वी यूजुअली हैव कॉन्फ्लिक्ट इन अ प्ले, बट मॉडर्न प्लेज ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आर एन एक्सेप्शन टू इट. अभी हम देखेंगे सेकेंड वाला पॉइंट क्या है. थीम. अ थीम इज द सेंट्रल आइडिया. लेट मी ओके. थीम. अ थीम इज द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द प्लॉट रिवॉल्व्स. इट इज डायरेक्टली स्टेटेड थ्रू द प्ले राइट्स इंस्ट्रक्शंस, डायलॉग्स एंड अदर फीचर्स. इट फोकसेस ऑन सब्जेक्ट ऑफ द प्ले. इट कैन बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. थीम कैसी रहती है? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रहती है. देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सब थीम्स दैट पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ. द थीम हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ द प्ले राइट. थर्ड वाला है जो पॉइंट, दिस इज सेटिंग. सेटिंग और लोकेशन इज अ प्लेस वेयर द स्टोरी ऑक्यूर्स. वॉट इज सेटिंग और लोकेशन? सो आप इसका मतलब क्या लिखोगे? वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर, सेटिंग और लोकेशन इज अ प्लेस वेयर द स्टोरी ऑक्यूर्स. अ ड्रामा इज मीन फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, राइट? यानी कि स्टेज पर जो परफॉर्मेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रामा. एंड द लोकेशन और सेटिंग इज रिवील्ड थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉप्स. अलग अलग प्रकार के प्रॉप्स यूज किए जाते हैं इसमें. द यूनिटी ऑफ टाइम, place and action has to be taken into consideration while setting the stage. What are the three elements of setting? Unity of time, place and action. ये आपको ध्यान में रखना है. The proper use of setting or props helps the play to be impactful. अभी fourth वाला topic कौन सा है content tense में? Language का. We all know that the pen is mightier than the sword. Likewise, words are the weapons of a writer. There is another language too. Have you enjoyed films of Charlie Chaplin के shows? तो आपने देखे होंगे, right? Who uses non-verbal communication? उन्होंने कोई dialogue बोले है क्या? नहीं, लेकिन उनके जो expressions है उससे ही उनका ये जो वो अभी इतने famous बन चुके हैं. Very effectively through his body. It conveys emotions and underlying meanings profoundly. यानी कि उन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उनके जो इमोशंस है, लाइक तो इमोशंस से वो फेमस हो गए. सो वन एक्ट प्ले हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ड्यू टू इट्स ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स. इफ द डायलॉग्स आर विट्टी, पंजंट एंड कंसाइज, दे एड टू द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले. एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स हैमलेट सेज, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ये जो है एक बहुत ही फेमस डायलॉग है शेक्सपियर के, हैमलेट ये प्ले से है ये. द डायलॉग ऑफ द प्ले राइट यूज टेक्निक लाइक प्रोजेक्शन, आर्टिकुलेशन एंड फ्रेजिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पोएटिक डिवाइसेज एंड फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक इमेजरी, सिंबलिज्म, पर्सोनिफिकेशन एंड ह्यूमर एम्बेडेड इन विट, पन, आयरनी एंड पैराडॉक्स मेक द डायलॉग्स एक्सट्रीमली पावरफुल. द टोन ऑफ द डायलॉग कैन बी कॉमिक, आयरनिक, लाइट, प्लेफुल, सैड, सीरियस, सिनिस्टर, सोलेमन, सॉम्बर, थ्रेटनिंग एटसेट्रा. सो दीज आर सम थिंग्स. Character. So there are a limited number of character in one act play. There are two types of characters. कैरेक्टर जो रहते हैं वो कौन से? दो टाइप के, मेन कैरेक्टर एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर. सो यहाँ पर देखिए, ई एम फॉस्टर इन हिज एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल. अभी देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल ये किसने लिखा है? ई एम फॉस्टर. मैच द पेयर के लिए आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा. Divides characters into two types. इन्होंने character के दो type बताए, एक तो round character और दूसरा है flat character. What is round character? The one that develops through the experiences and involves as a dynamic persona. इसे कहते हैं round character. And flat character is one who remains the same throughout the story. Flat characters are also known as caricatures and recognized only through one characteristics. The story revolves around the main character or characters who face a dilemma or conflict. Character, what are the two types of the characters in one act play? So round character and flat character, ये आपको ध्यान में रखना है.
फीचर्स ऑफ वन एक्ट प्ले के फीचर्स क्या है? इट हैज वन और मोर सीन्स, इट इज कंसाइज इन मैनर, इट हैज अ सिंगल डोमिनेंट थीम विच प्रोड्यूस सिंगुलर इफेक्ट्स, एंड इट ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ, इट हैज बिगिनिंग मिडल एंड एन एंड, द स्टेज आर एज फॉलोज. एक तो एक्सपोजिशन होता है, इट मीन्स इज ब्रीफ इंट्रोडक्टरी. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, इट इज बैकबोन, कॉन्फ्लिक्ट इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा. क्लाइमेक्स में क्या होता है बच्चों? टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. डिनोमेंट में क्या होता है? ब्रीफ ऑफन ओवरलैप क्लाइमेक्स यहाँ पे हो जाता है. सो आपको राइट डाउन द फीचर्स ऑफ वन एक्ट प्ले, ये क्वेश्चन आ सकता है. सो ये 5 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं. 6 वाला पॉइंट क्या दिया? इट गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज डायरेक्शन, इट क्रिएट्स मूड और एटमॉस्फेयर, इट हैज यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, इट हैज सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ इंप्रेशन, इट हैज लिमिटेड कैरेक्टर्स एंड इट प्रेजेंट्स क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ विच आर ईगरली अवेटेड बाय द ऑडियंस. Creativity. The course book aims not only at understanding and at studying the given genre, but also at being creative to use the features of the same to express feelings and ideas. Learners should try to produce the given content in their own language. They are expected to add some of their own imaginative beginnings or ends by using the features often from the given one-act play. It will be an aid to create citizens having linguistic proficiency. Creativity means what? जो आप नया नया think करते हो, जो नया नया ideas, feelings आपके दिमाग में आते हैं, उसको express करना यानी क्रिएटिविटी होता है. द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एज वेल एज एंजॉय एक्सप्लोरिंग द रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज बाय स्टडिंग जनरे इन डिटेल. सो बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ाया है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, टॉपिक जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, उसके बाद जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स है, वो मैंने आप सब सबको मैंने यहाँ पर इस सेशन में अंडरलाइन किया है. उसको नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए, उसको लर्न कीजिए, और उसमें कई क्वेश्चन आपको आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा. थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन हमने एक ही लेक्चर में सभी पूरा पूरा ये एक चैप्टर है वो लर्न किया है. सो जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.